खान होएगा कि वो होएगा अलग मन के धरो मन के फैका धैयो। बहुत हाल खराब है, धान बेचे हुए हैं भैया। हाँ बहुत हाल खराब है भैया। धान का रेट ले 9 रुपया कहा था धान लियो। देखो 9 रुपया कहा था क्या सब काट के अलग भेज हैं। 9 रुपया दे दिए। हाँ ये नजारा है नगर के अमहट स्थित नवीन मंडी स्थल का। इस मंडी स्थल पर जिला प्रशासन द्वारा 2 धान केंद्र बनाए गए हैं। बीते 15 अक्टूबर से धान खरीद की बात भी कही जा रही है, लेकिन शहर के बीचों बीच स्थित इस क्रय केंद्र पर सन्नाटा पसरा हुआ है। एक क्रय केंद्र पर करीब 10 क्विंटल की धान खरीद हुई है, जबकि दूसरे क्रय केंद्र पर फैन न होने के चलते शुरुआत भी नहीं हो सकी। धान बेचने के लिए क्या प्रक्रिया है, पहले आप उसे जान लीजिए। पहले अपनी खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक लेकर उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाइए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कार्ड और सैंपल लेकर धान क्रय केंद्र पर जांच करवाइए। यहाँ से अप्रूवल होने पर ही आप अपना धान क्रय केंद्र ले जाइए, फिर उसकी साफ सफाई कर 1865 रुपए में आपके धान की खरीद की जाएगी। धान 12-13 क्विंटल कटा हुआ है। रजिस्ट्रेशन करा लें। रजिस्ट्रेशन तो नहीं है, करा लें। कहाँ होगा? साइबर कैफे पे। अच्छा उसमें खतौनी, बैंक पासबुक, आधार कार्ड करा लेंगे। वो सत्यापन होगा, आपके सत्यापन हो जाएगा, आपके मोबाइल पे जाएगा तो फिर आपको जो है हो जाएगा सिंपल। और नहीं अच्छा क्या रेट है, मतलब एकदम साफ साफ धान है, क्या रेट निकलेगा? धान 1800 एकदम साफ धान का। यहाँ पंखा लगेगा। ये बताइए कि धान खरीद चल रही है, क्या आपने अपनी धान वान बेचा नहीं इस बार? बहुत परेशान करते हैं, बार बार दौड़ाते हैं, कभी नमी के नाम पे, कभी सफाई के नाम पे, बहुत परेशान करते हैं। क्या रेट चल रहा है, कुछ जानकारी है? 1200 चल रहा है प्राइवेट वाले पे। हाँ हाँ। और सरकारी वाले पे 1800। क्या कहते हैं वहाँ पे सरकारी वाले, क्या कहते हैं? दौड़ाते बहुत ज्यादा धान क्रय केंद्र के लिए। हाँ। अभी तक सर मैं 3 बार जा चुका हूँ। अभी बताते हैं कि आप आइए फिर आइए फिर आइए, मतलब नंबर मिलेगा आपको, जबकि ऐसा कुछ मतलब ना कहीं नोट करें कि आप 2 बार आप आए, 3 बार आप कोई फाइनल नहीं दे पा रहे हैं कब आपका धान तौला जाएगा। कैसा नंबर क्या नहीं कहते हैं कि आप मतलब अभी आज नहीं होगा, आज नहीं हो पाएगा, आज हमारे पास लेबर नहीं है कभी या क्या कारण देते, लेकिन तौलते नहीं हैं। अब गवर्नमेंट का रेट जो 1900 के आसपास है, लेकिन मार्केट हमने तो फिर 2-3 बार गए, नहीं काम हुआ, फिर हमने 1600 रुपये में बेच दिया। वही इसी मंडी परिसर में बने एफसीआई के क्रय केंद्र की स्थिति तो और भी खराब है। बता दें बीते 15 अक्टूबर से शुरू हुई धान खरीद के बावजूद संसाधन न होने के चलते यहां खरीद शुरू भी नहीं हो सकी। 15 तारीख से खरीद शुरू है। हाँ। लेकिन अपने यहाँ भी हुई नहीं। क्यों? फैन है नहीं, ठीक है नहीं, ऑर्डर हुए हैं। पंखा है, पावर बिलिंग फैन, पावर बिलिंग फैन आ जाए तो काम शुरू हो जाए। पुराना फैन था जो हम उसको कन्विंस कर रहे हैं, सारा कुछ उसका नोट कर रहे हैं, उसको हम बता रहे हैं 1-2 दिन लग जाएगा बस, नहीं तो हम खुद पर्सनल एफर्ट कर रहे हैं। अपना जो है माल लेके कहाँ जाएगा 2 दिन के लिए, घर जाए कि कैसे करें? ये चीजें हम उसको कन्विंस कर रहे हैं, पहले फोन करके, हालांकि डायरेक्ट कोई लेके नहीं आया। और रोज संपर्क में हमारे हैं पुराने जो थे रजिस्टर मोबाइल नंबर जो है, उससे हम उससे संपर्क भी कर रहे हैं। संपर्क करने के बाद उसको कह रहे हैं भाई भी है नहीं, आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए या टोकन ओपन ले लीजिए, जैसे ही हमारी व्यवस्था होती है तुरंत आपको। दिलचस्प बात तो ये है कि जहां सरकारी क्रय केंद्रों पर सन्नाटा है, वहीं मंडी में लगे आड़तियों के यहां धान उतारने के लिए प्राइवेट लोगों की लाइन लगी हुई है। गाँव से किसानों का अनाज खरीद कर गाड़ियों से लाया जा रहा है। सरकार ने जहाँ 18 से ज्यादा रुपए धान क्रय के लिए निर्धारित किए हैं, वहीं ये आड़ती महज 11 से 1200 रुपए क्विंटल धान की खरीद कर रहे हैं। किसानों की माने तो सरकारी क्रय केंद्र पर इतना परेशान कर दिया जाता है कि किसान वहां जाना भी नहीं चाहता, कम दामों पर ही धान बेचने को मजबूर है। 131 क्विंटल अभी तक कोई मंडी समिति वाले कंपनी को उनको ही पावर। अच्छा, आपके यहाँ क्या रेट है? 1868 प्रति कुंटल। क्या कारण है कि आढ़तियों के पास ज़्यादा भीड़ लगी है, आपके पास नहीं? जो आढ़ती प्राय तो हम व्यापारी ला करके बेचते हैं। अच्छा, यहाँ किसानों की खरीद होती है। बहरहाल सरकार के लाख दावों के बावजूद धान क्रय केंद्रों का बुरा हाल है। धान के सरकारी क्रय केंद्रों पर जहां सन्नाटा पसरा हुआ है, वहीं आढ़तियों की यहां धड़ाधड़ धान की बोरियां उतारी जा रही हैं। हाल ये है कि कम रेट पर ही किसान बिचौलियों को धान बेचने पर मजबूर है। सुल्तानपुर से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट।